नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब दोस्तों। आप सारे जानते हैं कि जिहड़ा गर्मियां दा मौसम है वह शुरू हो चुका है और इस वार दी जिहड़ी गर्मी है बहुत ज़्यादा पैन वाली है। सो बहुत जरूरी है कि तुहाडे घर विचाले ऑफिस दे विचाले वधिया किस्म दे जिहड़े एसीस ने वह प्रोवाइड होने चाहिए ने, और जिहड़ा विआह शादियों का सीजन है वह भी आन जा रहा है। सो बहुत जरूरी हो जाता है कि तुहाडे घर विचाले और जिथे भी तुसी रिश्ता करना है उन्होंने जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स ने वह वधिया देने ने। सो अज असी खड़े हुए हैं चंडीगढ़ रोड से नोवल्टी एयर कंडीशनर्स वाले दे कोल, और इन्हां कोल वाइड रेंजिस ऑफ इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और एयर कंडीशनर्स ने, तो आप इन्हां दी स्पैशलिटी भी जानांगे। इन्हां दा नाम अज लुधियाना, पंजाब और दूर दूर तक जिहड़े बायर्स ने इन्हां कोल पहुँचते हैं, क्योंकि जिहड़ी अपनी सर्विस देंदे ने इन्हां दी सर्विस दे नाम तो ही इन्हां नूं जाणिया जांदा है। सो आओ आपां जानदे हां की प्रोडक्ट्स इन्हां दे कोल अवेलेबल्स ने, किहड़े किहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच डील करदे ने। तो चलो मेरे नाल। आओ आपां जानते हाँ कि इन्हां कोल एसी दे विच किहड़े किहड़े ब्रांड्स ने और किहड़े किहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच जिहड़े डील करते हैं, और इन्हां दी जिहड़ी खासियत है इन्हां दे एसी दी ओह की है। तो साडे नाल इस समय जिहड़े स्टाफ दे मैंबर ने मिस्टर रजत जी ओह मौजूद ने, आपां इन्हां कोल जानते हाँ। सर, किहड़े किहड़े ब्रांड्स च तुसीं डील करते हो और किहड़े किहड़े एसी तुहाडे कोल इस समय अवेलेबल ने? ऑलमोस्ट सर सारे ब्रांड्स अपने को अवेलेबल रहिंदे हमेशा, जिदा कि आपां स्टार्टिंग रेंज तो लैके अपर रेंज तक सारे मॉडल्स भी रहिंदे आ, हर कंपनी दे ब्रांड्स भी रहिंदे आ, टनेज कैपेसिटी भी सेम रहिंदी सारे जी जी। जिदा कि स्टार्टिंग अगर नॉर्मली कमरा च लगन वाली कैपेसिटी है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन जी, इदा दी। सर, जिहड़े मोस्टली तुहाडे कोल कस्टमर्स आंदे ने उन्हां दी की डिमांड रहिंदी है, किन्ने टन दा एसी जिहड़ा ओह बाय करदे ने, और किहड़े किहड़े ब्रांड्स? मैं देख रहा कि तकरीबन तुहाडे कोल सारे जिहड़े ब्रांड्स है ओह अवेलेबल ने जी। कस्टमर की ज़्यादातर जो डिमांड जो गल की है, मेनली कस्टमर की डिमांड 1.5 टन एसी नूं लैके रहिंदी है। ज़्यादातर कस्टमर आंदा कि 1.5 टन का एसी दे दो, पर एक साडी हुंदी है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जाननी, कस्टमर नूं पता लगे, सानूं पता लगे कि कस्टमर नूं चाहिए की है। एक्चुअल मोस्टली क्या हुंदा, कस्टमर नूं नहीं पता हुंदा कि एसी कहड़ा चाहिए उन्होंने, तो पहला तो नीड पूर्वक पता करी दी कस्टमर की, कस्टमर नीड की है, जरूरी की है। कई बार कस्टमर का कमरा बहुत छोटा होता, कस्टमर फिर भी 1.5 टन मंग लेंदा आके, पर वो प्रॉब्लम्स उन्होंने बाद फेस करनी पैंदी है, जो कंजप्शन लैवल बिजली बहुत ज़्यादा महसूस करता बाद जी। इस करके तो नॉर्मली अपने को जो ब्रांड्स अगर मैं गल करा तो सैमसंग है, ब्लू स्टार, कैरियर, हिताची, वोल्टास, पैनासोनिक, लॉयड, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड ही ने। हम स्टार्टिंग रेंज की अगर गल करा कि लो बजट रेंज की गल करा तो जिद अपने को लॉयड का मिल जाता है, हायर मिल जाता है, गोदरेज मिल जाता है, ये ब्रांड्स ने जो घट रेंज में शुरू हो जाते हैं, जिन्हें की प्राइस रेंज स्टार्टिंग में 28-29 हज़ार तो शुरू हो जाती है इन 1.5 टन के गल करें। अगर मैं जाना तो इस तो बाद गल करिए फिर कॉस्टली भी शुरू हो जाए, सैमसंग आ जाता, हिताची आ जाता, कैरियर, ब्लू स्टार, ठीक है ना, तो मित्सुबिशी, डाइकन, ये ब्रांड्स आ जाते अपने। सुरजत जी, मैं अपने सामने देख पा रहा जो इनवर्टर एसी जी थोड़े को नवी रेंज है, सर की फीचर ने, की खासियत है कि जो इनवर्टर एसी किया गया? इनवर्टर एसी का सर रोल पहले तो अलग है, जिदा इनवर्टर एसी का काम के नॉर्मली अपना नॉन इनवर्टर एसी पर गल की दो तरह के एसी होंगे, जिन्हें अपना पहला चलते रहे कि साल वो नॉन इनवर्टर एसी से, हूँ अजक आ रहे इनवर्टर एसी। इन्हें फर्क की है जो मेन कि आप नॉर्मली एसी आप किसी टैंपरेचर सैट करके चलाने जी, 25 डिग्री 26 डिग्री चला रहे, और चलते चलते नॉन इनवर्टर एसी बंद हो जाते जी। इनवर्टर एसी का रोल अलग है, जिते नॉन इनवर्टर एसी बंद हो जाते हैं उत्थे इनवर्टर एसी अपने अंपेयर घटा के बिजली भी घटा लेंगे, कूलिंग भी घटा लेंगे कि सेम टैंपरेचर से चलता रहे एसी। जिदा हम इन्होंने की है कि चलते चलते अगर नॉर्मल एक टैंपरेचर रखा हुआ वा तो उम्र कट हो जाते हैं कि जो टैंपरेचर मेनटेन किया एसी ने, एसी के अंदर सेंसर लगा हों, टैंपरेचर मेनटेन होया, बंद हो गया कि वो कम खत्म। इनवर्टर एसी दे स्मार्टनेस थोड़ी यूज़ करता है इस मामले में, वो की करता है कि अगर टैंपरेचर मेनटेन हो गया वा दैन वो टैंपरेचर उसी मेनटेनेंस से ही चलता रहे, ज़्यादा बिजली से ज़्यादा कूलिंग देने की जरूरत ही ना पवे। इनवर्टर एसी का यह रोल होंगे वा। पर इनवर्टर एसी में होर भी नवे फंक्शन ऐड होने शुरू हो गए, जिदा कि अगर गल करा तो कन्वर्टेबल सीरीज की, हूँ कन्वर्टेबल सीरीज में की आ रहा है कि आप इनवर्टर एसी तो मैं दसिया कि जिदा कि वो टैंपरेचर मेनटेन करेगा बिजली घटा लेगा। इन्होंने क्या है कि तुम 5 तरह के मोड से चला सकते हो, 5 इन 1 मोड तो ही कह गया इन्हों कि 40% यूज़ करो, 60%, 80%, 100%, अगर ज़्यादा यूज़ करना तो एक्सपेंड भी हो जाता, 120% भी चला जाता है एसी, न्यू एसी है जी अजकल नवी। हूँ इन की है कि तुम हम इनवर्टर एसी की वेट करोगे कि अभी कूलिंग करता करता, एक मैंबर ने अगर एसी चलाना है तो 1.5 टन ही यूज़ करेगा पूरा,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 40% ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ, ਸੇਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ 100% ਤਾਂ ਡੇਢ ਟਨ ਦਾ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਏ ਸੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਕੋਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਨੇਜ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਟਨੇਜ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। मेरे नाल इस समय ब्रांच के मैनेजर बैठे ने मिस्टर विक्की वर्मा जी, असं इन्हों को जानते हैं कि इन्होंने जी ब्रांचिस ने कितने कितने अवेलेबल ने और कड़ी स्कीम जड़िया ने पब्लिक दे रहे हैं। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या हाल चाल है सर? वधिया सर। सर सानू जो कस्टमर तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, उन्होंने दसो सर कि तुसी जी अपनी ब्रांचिस है कितने कितने इस्टैबलिश की हुई हैं? साढ़े सर टोटल 4 शोरूम ने, जो फर्स्ट साडा है डंडी अपना कैलाश चौंक नीयर पवेलियन मॉल, एंड सैकेंड डुगरी रोड पर है साडा नीयर मैरियट होटल, एंड थर्ड साडी ब्रांच है गिल रोड ओपोजिट जी एन ई कॉलेज जी, एंड फोर्थ जिस स्टोर आप बैठे हैं चंडीगढ़ रोड पर, यह साडी न्यू ओपनिंग स्टोर है जी। एट अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं सानू शोरूम खोले हुए हैं, एंड इस तो अलावा ब्रांड के अगर आप गल करिए साडे टोटल 4 शोरूमों के उपर सारे ब्रांड डील किए जाते हैं। साड़ी जो मेन स्पैशलिटी है वो रेफ्रिजरेटर एंड एसी की है, एंड उस तो अलावा इलैक्ट्रॉनिक गुड्स के बीच जिमें कि आप वाशिंग मशीन फुली ऑटोमैटिक सैमी ऑटोमैटिक LEDs रेफ्रिजरेटर सैमसंग LG ब्रांड ऑलमोस्ट मल्टी ब्रांड आप डील करते। सो सर कहने का मतलब कि हर तरीके का बायर जो थोड़े को आता, चाहे वह लो सैगमेंट का और अच्छे सैगमेंट का, और जिदा भी वो एक नीड होंगी है तुम उस अकॉर्डिंग जो मोल्ड हो जाते हो, उस अकॉर्डिंग जी अपनी स्कीम दे देंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, साडा मेन मोटिव यही होंगे भी कस्टमर प्राइस अच्छा दिता जाए, सर्विस अच्छी दी जाए, एंड मेन साडा मोटिव यही होंगे प्राइस असं ये चीज़ कस्टमर कहने भी तुम भाई साहब ट्राई करो उस तो बाद मेरे को लैन आओ जी जी, जबकि कोई दुकानदार ये गल नहीं कहूगा, मैं कह रहा ट्राई करो उस तो बाद मेरे को बाय करवा जी जी सर। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠਾਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ A1 ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ, AC ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੋਵਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੋਵਲਟੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੋਵਲਟੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਤੇ ਨੋਵਲਟੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਫੁੱਲ LEDs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਲਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LED ਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, LG, ਓਨੀਡਾ, VU,
एंड इस तो अलावा कुछ होर ब्रांड्स भी ने जी। अगर रेंज की गल करोगे 32 इंच स्मार्ट तुहानू 13,500 रुपए तो स्टार्ट हो जाती है 13,500 तो एंड अकॉर्डिंग टू ब्रांड अलग अलग उसकी प्राइस बढ़ती जाती है जिदे सानू साइज वाइज अगर गल करिए 32 43 50 55 65 एंड ओदे विच अगर तुसी स्मार्ट LEDs आ गई ठीक है जी क्यूलैट्स आ जाएँ ओलैट्स आ जाएँ वो सारी रेंज साढ़े को अवेलेबल एंड उन्होंने उपर अलग अलग डिफरेंट फिर वही स्कीम्स आ जाएँ जिस तरह मैं तुम्हें पहला एक्सप्लेन किया रेफ्रीजरेटर और AC से कैशबैक्स की ऑफर आ जाती है बजाज फाइनैंस वालों काफ़ी अच्छी स्कीम्स आ जाएँ ये चीज़ आ जाती है। मैं देखा सामने एक इलेक्ट्रॉनिक और बड़ा यूनिक लग रहा है बट समझ नहीं आ रहा कि यह फ्रिज है कि मोबाइल है मैंने मोबाइल लग रहा है बट देखने में फ्रिज लग रहा है। रजत जी की चीज है मोबाइल है कि फ्रिज है और टच भी है डिपार्टमेंट इधर सारा फ्रीजर जी इधर साइड डिस्पेंसर बनाया गया क्या बात है सर और जी बिल्कुल बिल्कुल सर क्या बात ओके कैमरा ऑल्सो देयर तुसी देख सकते हो कि कैमरा भी है। रजत जी सानू एक बार कैमरा चला के भी दिखाओ कि व्यूअर्स भी पता लगे कि हां भाई वाकई ये फ्रिज च भी एडा कैमरा आ गया है कंपनी ने थे डेमो मोड दे अकॉर्डिंगली बनाया है कि को फिंगर स्वाइप नीचे करना है देखो जी जरूर विजिट करो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ने जो अवेलेबल ने और लगातार आप तस्वीर में दिखाया है कि अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतने अवेलेबल्स ने तो फिर और जो सस्ते दाम से और जो हिसाब के ना जो ने इतने फाइनेंस की फैसिलिटी भी है और जिस तरीके सैट बैठेगा उस तरीके इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोवाइड कर देंगे ने और फिर उ गल आती कि जो प्रोडक्ट्स ने तुम देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि फ्रिज के उपर जो यूट्यूब है वो तुम देखने को मिल रहा है सो लगातार तुम देख सकते हो कि टच है क्या बात सर एक बार डेमो प्लीज जी एग्जैक्टली जो अपने फोन च चल रहा है चल रहा है क्या बात है तो जिहड़ी सारी शॉप आपां तुहानूं घूम के दिखा दित्ती है वाइड रेंजिस ऑफ प्रोडक्ट ने हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक इत्थे अवेलेबल है हर तरह का ब्रांड जिहड़ा इत्थे अवेलेबल है और लगातार आपां तुहानूं दिखाया है कि जेकर इस वार तुहानूं गर्मियों के विचाले वधिया एयर कंडीशनर की जरूरत है और वह भी किफायती दाम दे विच वे तुसीं जेकर चाहो तो EMI की सर्विस भी इन्हां कोलों लै सकते हो तो अज ही विजिट करो नोवल्टी एयर कंडीशनर्स वालिया कोल
और इन्हां दी जिहड़ी लुधियाना शहर दे विच चार ब्रांचिस ने जिथे जाके तुसी जिहड़ा अपने विआह शादियां दे लई और घर दे विचाले जेकर ऑफिस दे विचाले तुहानूं जरूरत है रेफ्रिजरेटर दी एसी दी और अलग अलग तरीके दी इलैक्ट्रॉनिक्स दी तां तुसी जरूर आओ क्योंकि इन्हां दा दावा है कि एक बार तुसी बाहर जाओ और प्राइस कंपेयर करन तो बाद जिहड़ा नोवल्टी एयर कंडीशन वाला कोल आओ क्योंकि इन्हां कोल जिहड़ी चीज़ है ट्रस्टिड है और लोकां दे लई है और लोकां दी किफायती लई है और है फैमिली जोड़ते ने ना कि कस्टमर बनाते हैं। सो एक बार जरूर विजिट करो नोवल्टी एयर कंडीशनर वाले को।